क्या है, खुद जागती नहीं, वो चाहती हमारी लड़ाई लोग दूसरे लड़े, कैसे लड़ेंगे हम? आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, और अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आप बोलते नहीं है, तो समझ लो आप जिंदा नहीं है, आप मृत हैं। मृत्यु जो है ना, सिर्फ शरीर से मरने से मृत्यु नहीं होती, अपने विचारों से आदमी मृत होता है। अगर अन्याय सहन करता है और आवाज़ नहीं उठाता, तो उसको मरा ही समझना चाहिए। मेरा एक ही कहना है, और यहाँ की पब्लिक से, यहाँ के प्रशासन से, कि आप जंगल राज मत इसको बनाइए, कानून का राज ही रहने दो। आज नहीं तो कल आप सत्ता से बाहर होने वाले हैं, कल आप पद से बाहर होने वाले हैं, और फिर आपके साथ ऐसे अन्याय होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जंगल राज मत बनाइए वसई विरार में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसई DCP कार्यालय के बाहर। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक वर्मा जी अपनी कुछ मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनके विषय है और किस तरह का भ्रष्टाचार उजागर करने यहाँ बैठे हुए हैं, सीधे मुलाकात करते हैं अशोक वर्मा जी से। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, मैं अशोक वर्मा। आज मेरे आंदोलन का 3रा दिवस है, और ये आंदोलन कुछ विभिन्न मांगों को लेके है। उसमें से प्रमुख मांग एक ये भी है कि महानगर के अधिकारी कर्मचारी और उनके ठेकेदार एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत गरीब लोगों को उनकी बिल्डिंग से, उनके मालकी हक से, उनके पजेशन से, बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए गुंडेगर्दी करते हुए उनको हटा देते हैं और बिल्डिंग तोड़ देते हैं, और साथ में उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनके पर्सनल आर्टिकल्स हैं, उसको लेके चले जाते हैं। कोई पंचनामा नहीं करते हैं, कोई सीजर नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। ये जो है कानून के अंतर्गत चोरी कहलाता है, और किसी को फोर्सफुली डिस्पोजेस करना कहलाता है, और धमकी देते हैं, गुंडेगर्दी करते हैं। इसके अलावा जब मानिकपुर पुलिस स्टेशन में हम महानगर पालिका के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कंप्लेन करने को जाते हैं, शिकायत करने को जाते हैं, तो शिकायत लिखी नहीं जाती है। उनको ये बता, वो ये बताते हैं कि नहीं हम जांच करेंगे, जबकि पुलिस को FIR लिखने से पहले जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने यहाँ तक भी देखा है, कभी हमें पता लगा है सूत्रों के द्वारा कि मानिकपुर के PI इसमें जो है ना, महानगर पालिका के अधिकारियों को पैसा लेके और ठेकेदारों से पैसा लेके कुछ डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं। जिस समय महानगर पालिका बोलती है सितंबर में, हमने एक न्यू वीना कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको सोसाइटी का नाम भी नहीं मालूम है, बोलते हमने सितंबर में उनको नोटिस दिया, जबकि सितंबर में वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर था, सोसाइटी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस नहीं दिया। किसी राह चलते भी एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लाए हैं, और उसमें कोई राणा करके साइन कर रहा है, लेकिन राणा कोई है ही नहीं उस बिल्डिंग में, ताजुब की बात है। और गरीब लोगों की वो बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया, और वहाँ से सारा उनका जो पर्सनल बिलोंगिंग था वो लेके गए, उसकी कोई जब्ती नहीं बनाई, कुछ नहीं बने। ऐसा कोई भी अधिकार ना महापालिका को है, ना उनके कॉन्ट्रैक्टर को है, ना पुलिस को भी है, किसको भी नहीं है। फिर भी पुलिस उनके साथ संगन मत कर रही, किस लिए? ब्लैक मनी के लिए, महानगर पालिका खूब मिलजुल के बांटते और खाते कमाते हैं। एक ये मुद्दा है कि FIR ना लिखना, और आज़ादी के इतने साल बाद भी FIR ना लिखना दुखद है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं, इसके पहले मेरा एक सवाल है कि आप एक वरिष्ठ वकील है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, कानून के जानकार है, और आप कानून के जानकार होने के बावजूद आपकी अगर मांग नहीं मानी जा रही है, तो क्या समझे आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? करप्शन की वजह से जो है ना, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, ऊपर से नीचे तक पैसा बढ़ता है। किसी भी अधिकारी के कंप्लेन करो, वो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, जांच नहीं करता, उसको बचाने के लिए काम करता है, और इसीलिए इनको जो है ना बहुत मांझ आई हुई है, और ये लोग काम नहीं करते, कानून का पालन नहीं करते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो मेरी शिकायत के आधार पर जाँच हो के अभी उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मानिकपुर के PI और ड्यूटी ऑफिसर CRPC 154 का भंग कर रहे हैं, 154 का उल्लंघन कर रहे। इसी तरह के एक मैटर में बहुत पहले एक मानिकपुर में PI थे अशोक पवार, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया था, और उनको आगे कोई प्रमोशन नहीं मिला और घर बैठा दिया गया था। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रहा, करोड़ों रुपया लोग मिल बांट के खा रहे, महानगर पालिका भी हो और इनके पुलिस वाले भी सब खा रहे हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करे। इसी तरह 142/2016 एक FIR मैंने दर्ज कराई थी, जो कि गटर गिरा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वहाँ पे 18 लोग इंजर्ड हुए थे। 16 से लेके आज कितने साल हो गए, इतने साल में पुलिस उसमें चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। एक बार उन्होंने किसी को अरेस्ट करने को, उसमें राजेश घरत का नाम था, वनमाली एक थे उनका नाम था, उनको अरेस्ट करने की तैयारी हुई, और उनको अरेस्ट करने के बाद जैसे अरेस्ट करने का नंबर आया, किसी बड़े पॉलिटिशियन का आ गया फ़ोन और पैसा आ गया, उनको अरेस्ट ना किया और छोड़ दिया गया, और बाद में उनको मेरे पास भेजा गया।
तोड़ पानी करने के लिए। मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया, तोड़ पानी हमारे खून में नहीं है, आप यहाँ से जाइए। इस केस में लॉजिकल एंड तक जाने का जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा करेंगे, हम लड़ेंगे। आज भी हम लड़ रहे, बीच में पुलिस आई उनके फेवर में, बोली इसमें कोई केस बनता नहीं। हेलो, हम आवर्ग समरी करते हैं, सबूत नहीं मेरे पास। मैंने बोला मैंने सबूत दिए, मैटर अब रिकॉर्ड है। बाद में मैंने दाते साहब को मिला, दाते साहब ने फिर ऑर्डर दिया इसको वापस खोलो, फिर जांच करो, फिर जांच चालू, अभी तक कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इसी तरह तीसरा, हमने 11 करोड़ दफन भूमि का कई महीने आंदोलन चला, पुलिस खुद मानती है इसमें घपला हुआ, इसी रिपोर्ट है, एसपी की रिपोर्ट है, तत्कालीन पीआई की रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट राइटिंग में मेरे पास भी मौजूद है। उसके बावजूद भी पुलिस ने बोला हम परमिशन के लिए भेज रहे हैं, आज तक परमिशन पता नहीं आई कि नहीं आई, कोई FIR नहीं है। क्यों? कि उसमें जो इन्वॉल्व थे, नारायण मानकर का लड़का इन्वॉल्व था, क्योंकि यहाँ के सत्ताधीश हैं समझे, उसमें जो इन्वॉल्व थे शिवसेना के कुछ नगर सेवक हैं वो भी इन्वॉल्व थे। ऐसे लोगों जब इन्वॉल्व थे, इसकी वजह से इनके साथ इनका संगन मत है, एक दूसरे मिल बांट के मलाई खाते हैं और मजे कर रहे हैं। जनता को क्या है, खुद जागती नहीं, वो चाहती हमारी लड़ाई लोग दूसरे लड़े, कैसे लड़ेंगे हम? आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, और अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आप बोलते नहीं हैं, तो समझ लो आप जिंदा नहीं हैं, आप मृत हैं। मृत्यु जो है ना, सिर्फ शरीर से मरने से मृत्यु नहीं होती, अपने विचारों से आदमी मृत होता है। अगर अन्याय सहन करता है और आवाज़ नहीं उठाता, तो उसको मरा ही समझना चाहिए। वकील साहब ने जो अभी दूसरे दो मामले बताए, एक वीणा अपार्टमेंट का जो मामला हालिया है, उसके अलावा दो मामले बताए। उस मामले में एक मामला मशहूर मामला है, 2016 में सुबह के समय में रेलवे में सफ़र करने जाने वाले यात्री वहां गटर गिरने से उसमें गिर पड़े थे और 18 जन गिरे थे। उसमें काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस का यह कहना है कि उसमें सबूत नहीं मिले। उन 18 लोग जो जख्मी हुए थे, क्या वो मजाक था? एक सोचने वाली बात है। दूसरा जो मामला दफन भूमि का इन्होंने उठाया, उसमें 11 करोड़ का वो दफन भूमि वसई सन सिटी सर्वधर्मी दफन भूमि है, महानगर पालिका ने बांधा, महानगर पालिका ने तोड़ा, फिर महानगर पालिका ने बांधा, आज तक वो मामला लटका पड़ा हुआ है, महानगर पालिका उसको हैंडओवर नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं मामले बहुत सीरियस मामले वसई विरार में यहाँ पेंडिंग है, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में आम जनता के लिए कुछ है नहीं। बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आम जनता के जो हक की जो चीज़ें हैं उनको न वो कभी मिली है, न आगे मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ वकील साहब से हम आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि वकील साहब, इसके आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति, अभी तो मैंने 11 से 5 तक आंदोलन रखा है, अगर प्रशासन ने मेरी मांगे नहीं मानी तो मैं इसको आमरण अनशन में भी कन्वर्ट करूँगा और मोर्चे भी करूँगा आगे चल के, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दूँगा इनको मैं। लेकिन मेरा एक ही कहना है, और यहाँ की पब्लिक से, यहाँ के प्रशासन से, कि आप जंगल राज मत इसको बनाइए, कानून का राज ही रहने दो। आज नहीं तो कल आप सत्ता से बाहर होने वाले हैं, कल आप पद से बाहर होने वाले हैं, और फिर आपके साथ ऐसे अन्याय होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जंगल राज मत बनाइए वसई विरार। वसई विरार के जो शासक हैं, ये सब इसको जंगल राज की तरफ झेल रहे हैं, जंगल राज की तरफ फेंक रहे हैं। आम जनता की पड़ी नहीं है, इनको सिर्फ है कि बस मैंने जो चाहा वो होना चाहिए, भले वो जनता के पैसे को लूट लें, जनता को परेशान कर लें या डकैती डाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पुलिस भी उसमें बराबर सहभागी है। पुलिस का एक वाक्य है, स्लोगन है, ब्रीद वाक्य बोलते मराठी में, वो बोलते हैं सदरक्षणाए खल निगरणाए, ऐसा पुलिस बोलती महाराष्ट्र पुलिस। लेकिन मानिकपुर पुलिस और मेरे को जो सामने आ रहा प्रत्यक्ष, वो आ रहा है कि खल रक्षणाए और सद निगरणाए, मतलब सज्जन को खा जाओ और जो दुष्ट हैं उनका मदद करो, उनकी हेल्प करो, यही यहाँ की पुलिस कर रही है। और मधुकर पांडे साहब बड़ी जोर जोर साहब बोलते हैं क्या, नहीं नहीं हमारी पुलिस एक ही सिद्धांत पे काम करती है। मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब आपकी कथनी और करनी में अंतर है, जरूर अपने गिरेबान में झांक के देखना। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था कि मैं एंड करना चाहूँगा, लेकिन आपके भी इस सवाल के बीच में एक सवाल यह है कि आपने सत्ताधारियों के ऊपर सवाल उठाया कि सत्ताधारी जो है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेशन राज है, 2 साल नहीं बल्कि 3 साल हो चुके हैं, तो उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ फेल हो रहा है? बिल्कुल फेल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून को मानता नहीं है, कानून के हिसाब से काम नहीं करता है, अपना ईगो दिखाता है, अपना पावर खाली दिखाता है, ड्यूटीज भूल जाता है, वो व्यक्ति हमेशा ही अन्याय करता है, अराजकता करता है। अनिल पवार साहब खाली उधर बैठ के अपना IAS का जो है बड़ा केबिन, बड़ी गाड़ी बस इंजॉय कर रहे हैं, उनको पड़ी नहीं है कि महानगर में जनता को लूटा जा रहा, साफ सफाई हो रही कि नहीं हो रही है। एक एक फुटपाथ को 4 बार बनाया जाता है लेकिन चलने लायक नहीं है, एक भी रोड नहीं है, खड्डे मुक्त यहाँ की नहीं है, खाली पैसा दिखाने के लिए
लोगों को दिखाने के लिए मैराथन निकाली जाती है। अरे ठीक है, मैराथन करो, जरूरी है युवाओं के लिए, लेकिन हॉस्पिटल भी तो दो, रोड भी तो अच्छी दो, वो भी तो तुम्हारा काम है, साफ सफाई तो अच्छी दो। ये सिर्फ यहाँ पैसा गोला करने आए महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, चाहे यहाँ पुलिस के आयुक्त हों, चाहे महानगर पालिका, सब पैसा गोला कर रहे हैं, कोई कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो हम बात कर रहे थे वरिष्ठ वकील, एक वरिष्ठ वकील के इस तरह के विचार आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हो सकते हैं और किस तरह से है, किस तरह से की कानून व्यवस्था है, किस तरह के यहाँ के लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कब यहाँ पर सिस्टम में सुधार होगा, और जितना लेट सिस्टम में सुधार होगा उतना ही यहाँ का बेड़ा गर्क होगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। इधर एक गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।